तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है ना? मैं तुमसे तुम्हारी मृत्यु ही खींच लेता। तुम्हें अमर होने का अभिशाप देता हूं। ये चित्रलिपि कुछ ऐसी खास तरह की शक्तियों के बारे में बताती है जो किसी इंसान के पास नहीं हो सकती। उन्हें लगता वो तब से जिंदा था। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि सब खत्म नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि युद्ध हो, हम उसे रोक भी तो सकते हैं। किसी न किसी तरह से इस युद्ध का अंत तो होगा ही। हेलो दोस्तों, अश्वत्थामा एक साइंटिफिक फिल्म है और महाभारत के अध्याय से एक किरदार अश्वत्थामा पर आधारित है। आदित्य ने इस फिल्म के बारे में कहा, हम सभी उस प्यार के लिए अतिभूत हैं जो उरी को पिछले 2 वर्षों में मिला है और निश्चित रूप से उस प्यार के साथ हमारे अगले सहयोग के लिए उम्मीदों पर खरा उतरने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आती है। अश्वत्थामा के साथ हम शानदार विजुअल पेश करने की कड़ी मेहनत कर रहे हैं जो भारत के दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं वादा करता हूं, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं होगी बल्कि एक एक्सपीरियंस होगा। मैं इस फिल्म को इस महाकाव्य कहानी को बताने की जिम्मेदारी के रूप में ले रहा हूं, जिस तरह से उसे बताया जाना चाहिए, और मुझे आशा है दर्शक अश्वत्थामा पर भी उसी तरीके से प्यार की बौछार करेंगे जैसा उन्होंने उरी को दिया था। अश्वत्थामा में स्टोरी को बड़े पैमाने पर बताया जाएगा, पात्रों में गहराई और विजुअल इफेक्ट्स की भरमार होगी। भाषा इस फिल्म के लिए कोई बाधा नहीं है, हम इस साल शूटिंग शुरू करेंगे। तो हमें इस फिल्म में इतनी ही जानकारी मिली है, जैसे ही हमें और जानकारी मिलती है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।